नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है और मैं बताने जा रहा हूँ आज की हेडलाइंस। हाँ दोस्तों, आज 9 मई है और मंगलवार है, तो आज शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की हेडलाइंस है, जो कपिल मिश्रा है उन्होंने आज 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है आज वो, और 3 आरोपों को दोस्तों वो सीबीआई के अंदर आज एफआईआर दर्ज करवाएंगे। पहला आरोप जो वो बता रहे हैं काफ़ी दिनों से कि 2 करोड़ रुपए लिए हैं सत्येंद्र जैन से केजरीवाल ने। दूसरा आरोप बता रहे हैं कि केजरीवाल ने अपने रिश्तेदार के जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़मीन का सौदा किया है। तीसरा फ़ायदा वो बता रहे हैं कि जब जो टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार को देती है जनता, उस पैसों से ये मंत्रीगण क्या क्या करते हैं उसके बारे में मैं सारा बताऊंगा। तो ये सब कहना है सत्येंद्र जैन वो कपिल मिश्रा जी का, और वो आज सीबीआई के अंदर इन तीनों की एफआईआर दर्ज कराएंगे। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दें, जो भारत के चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की जो 5 साल की सज़ा सुनाने वाले कलकत्ता के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है जस्टिस CS कर्णन, पिछले कुछ समय काफ़ी समय से वो चर्चा में चल रहे हैं। वो कभी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी कर रखा है, वो एक दलित है, इस कारण से उन्होंने ये जंग छेड़ रखी है कि दलितों के साथ ऐसा किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आ गया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव दोषी है और उनके ऊपर आगे केस चलना चाहिए। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ईरान ने धमकी दे दी है पाकिस्तान को कि हम अगर हमारे आतंकवादी हमार अगर आप सॉरी अगर आपके आतंकवादी हमारे देश के अंदर आए तो हम आपको अंदर घुसकर मारेंगे। हाँ दोस्तों, जो अभी कुछ समय पहले जो इराक की जो सेना है बॉर्डर पर, और ये पाकिस्तान और ईरान दोनों पास पास में लगे हुए हैं दोस्तों, जो दोनों के पास में जो बॉर्डर है वहाँ से आतंकवादी घुसकर जो इराक की जो बॉर्डर फोर्स होती है उसके ऊपर हमला बोल दिया था, और उस हमले के अंदर इराकी सैनिक मारे गए थे। तो उसके मरने से जो वहाँ के जनरल है वहाँ के उसने उन्होंने कहा था, प्रमुख जनरल ने जो मोहम्मद बाकरी है, उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद को धमकी देते हुए कहा था कि अगर आपने इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं रोकी हमारी सीमा के अंदर तो हम आपको अंदर घुस के मारेंगे उन आतंकवादियों के ठिकानों को। और फिर वो आतंकवादी के ठिकाने चाहे कहीं भी हो, चाहे वो रहसी इलाके में हो, चाहे वो सुनसान इलाके में हो, कहीं भी हम घुस कर मारेंगे। तो दोस्तों, ये था एक आतंकवादियों को जवाब देने का असली तरीका। भारत शालीन है, आराम से जवाब देता है, लेकिन ये आराम से जवाब देने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आ रही है पाक से। हाँ, पाक नागरिक से शादी और 2 दिन बाद भारतीय उच्चायोग से मांगनी पड़ी उस औरत को शरण। हाँ दोस्तों, यही हुआ है क्योंकि पाकिस्तान वालों ने पूरी बात मैं आपको इस खबर में बता देता हूँ। जो भारत उस जो 20 वर्षीय भारतीय नागरिक की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए जो पाकिस्तान को सम्मान बनाए हुए है, और इस्लामाबाद की जो अदालत है वो पाकिस्तान के नागरिक के साथ शादी करने के लिए बंदूक तान कर मजबूर किया गया था और हिंसा एवं यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, ये थी कहानी। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आ रही है जो हिमाचल से आ रही है वीरभद्र। हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा वीरभद्र, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की जो विशेष अदालत है उसने सीबीआई अदालत में सम्मन जारी कर दिया है। हाँ दोस्तों, इनके पास अपनी आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है, और यूपीए सरकार में जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और 10 करोड़ की संपत्ति की अवैध अर्जित की थी। जिस समय यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री थे ना, उसी समय उन्होंने 10 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी। और ये संपत्ति कहाँ से आई, क्योंकि ये संपत्ति उनके 192% से अधिक है, मतलब जो इनकी सैलरी है उससे 192% अधिक है दोस्तों, तो केस चलना वाजिब है। नेक्स्ट खबर की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रांस से आ रही है, आसान नहीं है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मैक्रो की डगर। हाँ दोस्तों, जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के मैक्रो, उनकी रास्ता आसान नहीं हुआ ली पेन को हराने के बाद वो राष्ट्रपति बने हैं, और सबसे युवा राष्ट्रपति है फ्रांस के।
तो देखते हैं, जिम्मेदारी है, संभालनी पड़ेगी। क्या है आरजेडी सुप्रीमो का लालू यादव और अब वो कभी क्या चुनाव लड़ पाएंगे? हाँ दोस्तों, मैं आपको लालू प्रसाद यादव के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो दोस्तों जो चारा घोटाले में सीबीआई के जो अभियुक्त और जो उसके साक्ष्य के आधार पर जो सज़ा दिलाने के लिए सफलता का ये रिकॉर्ड किया गया है, लालू यादव और अन्य अभियुक्तों को राहत या कहिए निर्दोष दिए जाने की संभावना अब तो बिल्कुल न के बराबर है। दूसरा, अगर हम बात करें तो लालू यादव जो बाकी के चार मामले हैं उसमें दोषी करार दे दिए गए हैं, चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी अब, और ये सजा होने की 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। ऐसे में 5 मामले में 25 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रहना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये थी लालू प्रसाद यादव, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके आधार पर उनकी लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो दोस्तों ये फ़र्क पड़ेगा। अब नेक्स्ट खबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो फरीदाबाद से आ रही है दोस्तों। फरीदाबाद के जो 2.5 लाख यात्रियों के अंदर जेब ढीली बॉर्डर तक अब ढीली हो जाएगी दोस्तों फरीदाबाद से, जो क्योंकि महंगा हो गया है। हाँ अब मैं आपको इसकी खबर विस्तार से बता देता हूँ, जो भास्कर की तरफ से खबर आ रही है, जो मेट्रो का सफ़र अब महंगा हो रहा है, दिल्ली मेट्रो का सफ़र अब महंगा हो रहा है। तो दोस्तों ये तो होना ही है, महंगा तो दिल्ली मेट्रो का सफ़र महंगा हो गया है। अब आपको जो इसके सबसे अधिक जो फरीदाबाद के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि नया किराया 2 चरणों में मेट्रो, दिल्ली मेट्रो 2 चरणों में किराया बढ़ाएगा। पहला चरण वो बुधवार से लागू करेगा, जिस चरण के अंदर वो सोमवार को MRC ने किराया की मंजूरी भी दे दी है। इसका अधिकतम किराया जो 2 लाख, इसमें फरीदाबाद से करीब 2,31,000 यात्री हर रोज़ मेट्रो में सफ़र करते हैं। मेट्रो में न्यूनतम किराया 8 रुपये की जगह अब होगा 10 रुपये, और पहले जो न्यूनतम किराया 30 रुपये था अब होगा अधिकतम किराया 50 रुपये। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कही गई है, पहले 2009 में किराया बढ़ाया था मेट्रो ने लास्ट में, अब बढ़ाया है। और ये दूसरा चरण भी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी इसका ये पहला चरण है जिसके अंदर ये, और दूसरा चरण स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से, जिसके अंदर खाली जो ये पहला स्लेब तो ऐसे कैसे रखा जाएगा, लेकिन जो अधिकतम किराया है वो 10 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 50 की जगह 60 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था, अब आपको मैं इनका किराया भी बता दूं, जो स्टेशन पुराने का जो रेट का नया किराया है वो 8 से पहले अब 10 हो गया। नीलम चौक से जो अर्ज रोड का है पहले 10 था वो 15 हो गया। अब ओल्ड जो फरीदाबाद है उसका पहले 12 था अब 15 हो गया। और जो बड़खल मोड़ है उसका पहले 12 था अब 20 हो गया। जो सेक्टर 28 है उसका पहले 15 रुपये किराया था अब 20 हो गया। मेवड़ा महाराजपुरा का जो 15 रुपये किराया था पहले अब 20 हो गया। NHPC चौक का किराया पहले 16 रुपये था अब 20 रुपये हो गया। सराय का किराया 18 रुपये तब 30 रुपये हो गया। और बदरपुर बॉर्डर का किराया पहले 18 रुपये तब 30 रुपये हो गया। तो दोस्तों ये थी मेट्रो की खबर। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, जो आप से आ रही है, आप में हाई वोल्टेज ड्रामा खेला जा रहा है और मान बने पंजाब के संयोजक बना दिए गए हैं और खेरा का इस्तीफा ले लिया गया है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की खबर। अब नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ता हूँ मैं, जो उत्तर कोरिया से है। उत्तर कोरिया ने जो परमाणु बम है वो कैसे बनाया दोस्तों, ये BBC की तरफ से खबर आ रही है। जो उत्तर कोरियाई नेता है किम जोन, उन लंबी दूरी के मिसाइल को परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम के आगे बढ़ने पर लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया परमाणु मामले में लक्ष्य हासिल करने के लिए सारे विकल्प खोल रखे हैं उसने, क्योंकि उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाता रहेगा। चीनी अखबार है उसने दावा किया कि भारत और चीन के सैन्य विकास का बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, ये चीनी अखबार ने दावा किया है दोस्तों। अब नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो लाश दैनिक भास्कर की तरफ से आ रही है कि लाश दफनाने के लिए विवाद हो रहा है, झगड़ा देखने के बाद वहाँ लड़कों की मौत हो गई, 20 दिन पहले हुई थी शादी। हाँ दोस्तों, लाश दफनाने के लिए विवाद जिसमें लड़कों की मौत हो गई है और 20 दिन पहले ही शादी हुई थी उसकी। तो दोस्तों ये थी
अब मैं आपको नेक्स्ट खबर की ओर बता देता हूँ। जो बीजेपी विधायक है वो उस पर आईपीएस है जो चारू निगम, उसका करारा जवाब मिला है दोस्तों। जो उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी मत समझना, ये शब्द लिखे हैं चारू निगम जो आईपीएस ऑफिसर है। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भाजपा विधायक के जो द्वारा कल जो आईपीएस अधिकारी की जो कथित अभद्रता का आरोप लगा था, तो दोस्तों वो बड़े आहत थी और इस आहत के कारण उनके आंसू निकल आए और ये शब्द जो कहना है। तो दोस्तों एक बार जो यूपी सरकार के जो मंत्री हैं, यूपी सरकार के जो वो हैं, ये कल इतना बड़ा हंगामा हुआ वो गए, लेकिन ये क्या था पूरा मामला आपको वहाँ पर क्या है, जिस जहाँ पर ये एसपी है जिसकी तो चारू निगम, तो थोड़ा उस गांव के अंदर शराब के मामले में कुछ औरतों ने वो आंदोलन कर रखा था। तो ये जो ऐसी मतलब आईपीएस है चारू निगम, ये वहाँ पर पहुँची उस केस को सॉल्व करने के लिए। उनके ऊपर गांव वालों का भी यही कहना है कि इन्होंने हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई और हमारे आदमियों को, पुलिस वालों की बात है दोस्तों, और ये पुलिस वाले जो आईपीएस चारू निगम के जो वो है टीम है उसने लाठियाँ बरसाई और जो औरतों को पकड़ कर ये जब अंदर डाल रहे थे जीप के अंदर, तो वहाँ पर कुछ बच्चे भी उनको छुड़ाने के लिए आए अपनी माँ को, तो उनको भी धक्का देके ज़मीन पे पटक दिया और उनकी भी चोट लग गई। तो दोस्तों जो गांव वाले थे वो भी पुलिस वालों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और तो इसी कारण से जो वहाँ के बीजेपी की जो विधायक है वो आए थे आईपीएस चारू निगम को समझाने के लिए, लेकिन चारू निगम और उसमें बहसबाजी हो गई। और जब वो ऐसे उंगली करके बात करे तो उन्होंने उनको डांटा और फटकार भी लगाई, इससे वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, वो आंसू इसकी वजह से नहीं आए कि उन्होंने डांटा, वो ऐसे भी कहना है उनका कि मेरे जो सीनियर अफसर है उन्होंने मेरे को ढाढ़स बंधाया, जब जाके मुझे इमोशनल हो गई और मुझे रोना आया। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि मेरी अपनी राय है कि ये आईपीएस चारू निगम ने जो किया है वो गलत था, नेताजी ने जो किया है वो सही है, क्योंकि नेताजी का काम है आना और अपने जनता को संभालना, लेकिन जो पुलिस का काम ये थोड़ी है कि पुलिस है शक्ति है तो आप डंडे बरसाओ ये बन जाओ। तो चारू निगम ने जो कल से लेके आज तक मतलब सिंपत्ति हासिल कर रही है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ता हूँ मैं। सपा में कलाश जारी रहेगा दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईवीएम को फोरेंसिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अब मैं कारोबार की जगत से खबरें लेता हूँ। ये दोस्तों ये खुशखबरी है कि एसबीआई ने अपना होम लोन बहुत ही सस्ता कर दिया है, अब होम लोन की रेट रहेगी 0.25% तक सस्ता कर दिया है दोस्तों होम लोन। तो अब आप अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए और एसबीआई के पास जाइए, अपना होम लोन लीजिए दोस्तों। इसमें होम लोन की जो इसमें कई चीज़ों में इन्होंने बेनिफिट दिया है, कई चीज़ों में इन्होंने सुविधा दी है, तो दोस्तों आप भी जाइए और होम लोन लीजिए। यूनिटेक के जो उच्चतम न्यायालय ने बताया कि आदेश का पालन हो ब्याज राशि भी जमा कराए। हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट जो कंपनी यूनिटेक को सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने सूचित कर दिया है कि न्यायालय के जो निर्देश है उसका पालन हो, ब्याज राशि जमा करवा दी जाए। और नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ता हूँ। स्टॉक मार्केट ने से कमाई 1 करोड़ फौज को दिए। हाँ दोस्तों, जो गुजरात के भावनगर के एक रिटायर बैंक कर्मी है, उनकी पत्नी जो भारतीय फौज को 1 करोड़ रुपए दान किए, और 42 साल के जनार्दन भट्ट उनकी पत्नी पद्मा स्टॉक मार्केट में कमाए 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा निधि कोष में जमा करा दिए हैं। दोस्तों ऐसे भी लोग होने चाहिए। अब दोस्तों मैं बताऊँ कि आपको इंडिगो ने पेश कर दिया दोस्तों समर ऑफर, 899 रुपये में आप अब हवाई यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। कितनी ये आ रही है दैनिक जागरण की तरफ से खबर दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं तो यात्रा करने जा रहा हूँ, आप भी करिए। पेट्रोल पंपों में दोस्तों छापा जारी है और अभी भी पेट्रोल पंप पे छापे लग रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं कई चीज़ें, और अभी आप भी सावधान रहिए अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हैं तो। अब दोस्तों सोने की जो कीमत है उसमें लगातार 7वें दिन भी गिरावट जारी है, ये खबर आ रही है मार्केट में। पहले जो सोने की कीमत 175 रुपये से घटकर 28,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, और चांदी 225 रुपये से गिरकर 38,350 रुपये प्रति किलो हो गई है। मनोरंजन से जुड़ी खबर देख लेते हैं दोस्तों।
झटका। बाहुबली दो के बॉक्स ऑफिस पर लगा ब्रेक, करोड़ों का नुकसान। हाँ दोस्तों, बाहुबली दो ने जो अपनी 1500 रुपये करोड़ की सफ़र शुरू किया ही था कि फिल्म की सफ़र पर अब ब्रेक लग चुका है। और ये ब्रेक क्यों लगा ये दोस्तों हम आपको बताएंगे। जो बाहुबली टू की जो रिलीज हुई है, आप भी अचंभित हो गए होंगे ये खबर सुनकर कि झटका लग गया है, मतलब बाहुबली टू को नुकसान हो गया है। क्यों बॉक्स ऑफिस पर झटका क्यों लगा, इसकी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ आपको। क्योंकि बाहुबली टू रिलीज के बाद 10वें दिन भी शिकायत दर्ज की, जिसके मुताबिक बाहुबली टू खुलेआम डीवीडी बनकर बिक रही है, क्योंकि ये पायरेसी करके फिल्म की खराब प्रिंट कई वेबसाइटों पर उपलब्ध है और फ्री में डाउनलोड हो रही है। अब इस कारण फिल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाँ दोस्तों, आजकल ये पायरेसी का मामला बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, इसी कारण से बाहुबली टू की जो कमाई का आंकड़ा रुकना ही है, क्योंकि लोग मज़े मार रहे हैं, सीडिया लगा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह है एक तरफ जहां फिल्म 1500 करोड़ की तरफ रख रही थी, ये सोच रही थी, SS राजमौली जी सोच रहे थे कि यार मैं तो 1500 से क्या 2000 करोड़ कमा लूँगा इससे तो। लेकिन दोस्तों, एक छापे में 2000 DVD बरामद हुई है, वो भी किसकी, बाहुबली टू द कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर ये पायरेसी का कारोबार चला तो कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये तो बहुत ही गलत है। तो दोस्तों, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सेफ ने अपने बदल दी व्हाट्सएप की जो DP, और अब लगा दिए उसने तैमूर की तस्वीर। हो दोस्तों वाह, अब ये तो है, उनकी इच्छा है किसी की भी लगा दो, ये खबर आ रही है आज तक की तरफ से। बाहुबली टू के जो राइटर है राजमौली जी, उनसे नाराज हो गई तमन्ना भाटिया, ये खबरों में अभी चल रहा है क्योंकि उनका रोल कम था। ब्रेकअप के बाद जो अनुराग बसु है के जो बर्थडे पर अब रवीना, रणबीर और कैटरीना भी आ गए। आओ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की और आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए लाए हैं बाहुबली टू में जो भल्लाल देव है, उनका विशाल रथ में बाइक का इंजन लगा था। आपको पता है बुलेट इंजन का इंजन लगा था उस पर, अब पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। खेलकूद की खबर की और आगे रुक करते हैं दोस्तों। IPL के अंदर जो शिखर धवन का नाबाद अर्शतक था, और हैदराबाद ने मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया। और जो पूर्व IPL के कमिश्नर ललित मोदी, वो ने धोनी पर लगाए गंभीर आरोप, बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं दोस्तों। ये दैनिक जागरण की तरफ से खबर आ रही है। और IPL मैच में जो गड़बड़ी को लेकर एम्पायर भिड़ गए हैं दोस्तों। हाँ, ये चलता है, रविवार को भिड़े थे दोनों टीम, जब किंग्स इलेवन पंजाब और गुजरात लॉयंस के बीच मैच चल रहा था, इस दौरान संदीप शर्मा और एम्पायर में जमकर बहस हो गई। और IPL मैच में जो अनु मलिक के साथ अब नज़र आई है रोहित शर्मा की वाइफ। हाँ दोस्तों, ये तो चल ही रहा है। अब नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते, हाशिम अमला एकमात्र से बल्लेबाज है जिनके शतक के बाद भी हार जाती है उनकी टीम। हाँ दोस्तों, ये है। तो ये थी आज की खेलकूद की खबर, कारोबार की खबर, मनोरंजन खबर और विश्व खबर। दोस्तों, हमारे साथ अपडेट रहिए आज की। तो नमस्कार।